नमस्कार, शाम के 5 बजने को है दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। लखीमपुर कांड पर योगी सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का दल लखीमपुर की ओर कूच कर चुका है। आज सुबह जब राहुल ने लखीमपुर जाने का ऐलान किया था, तब तक योगी सरकार किसी भी नेता को वहां जाने की इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन सरकार ने अपनी रणनीति बदली और सभी दल के 5-5 नेताओं को वहां जाने की इजाजत दे दी है। आपको बताते चले कि लखीमपुर में नेताओं की इजाजत तभी मिली है जब मारे गए चारों किसान प्रदर्शनकारियों का अंतिम संस्कार हो गया। ऐसे में दंगल में आज का हमारा मुद्दा है, क्या लखीमपुर कांड की आंच से योगी सरकार खुद को बचा सकेगी या फिर विपक्ष अब की बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में घेरने में कामयाब होगा। लखीमपुर कांड पर वैसे तो सभी दलों के नेता आक्रामक हैं, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहले दिन से ही मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में सवाल यह भी कि क्या लखीमपुर से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिलेगी संजीवनी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर कांड का सच तलाशना उत्तर प्रदेश पुलिस की चुनौती है, लेकिन इस पर योगी सरकार को राजनीतिक चोट देने के लिए विपक्ष लामबंद हो गया है। ये देखिए, इधर जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए, मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दीजिए ना मुझे। ये देखिए, विपक्ष के तेवर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हर एक राजनीतिक दल के 5-5 नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दी है। लखीमपुर जाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहले दिन से सरकार से मोर्चा ले रही थी, और अब सांसद राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ लखीमपुर के पीड़ितों से मुलाकात का रास्ता साफ हो चुका है। हालांकि राहुल जब दिल्ली से लखनऊ आए तो लखीमपुर तक अपनी गाड़ी से जाएं या प्रशासन की गाड़ी से, इसे लेकर उनकी प्रशासन से ठन गई थी। मैं अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जानता हूं, मुझे कहा गया था कि हम यहां से निकलेंगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, वो अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब यहां पे पुलिस वाले, आर्मी वाले कौन है, इनको खड़ा कर दिया। दिल्ली जैसी जगह पे आप ने आपको कई बार देखा है, आपको बैठे कई बार देखा है, डर किस बात की है? माइक ऊपर करो यार, सच्चाई से डरते हैं। माइक ऊपर, हमने दिल्ली में देखा जो सच्चाई है ना, उससे डरते हैं। दिल्ली में आपको देखा है, आप बहुत सशल आराम से गाड़ी चला करके एक जगह से दूसरी जगह जाते, खुद आप ड्राइव करते हैं, हमने कई बार देखा है। तो यहाँ नहीं, नहीं, यूपी में आता हूँ, यूपी में जब भी आता हूँ हमारी गाड़ी में जाते हैं जी। ये पहली दफा नहीं, ये कुछ ना कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका कुछ प्लान है, मुझे नहीं मालूम क्या है। फिर मुझे मोटरकेड में डाल के कैदी जैसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। राहुल और प्रियंका समेत सभी राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर जाने की इजाजत तब दी जब घटना के शिकार बने चारों किसान प्रदर्शनकारियों का अंतिम संस्कार हो गया। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाकर एक मृतक के घर वालों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। इस बीच लखीमपुर पर एक नया दावा हो रहा है। लखीमपुर के गोला के सीओ संजय नाथ तिवारी का एक शख्स से पूछताछ करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वो व्यक्ति दावा कर रहा है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद अखिलेश दास का भतीजा अंकित दास थार जीप के पीछे फॉर्चूनर गाड़ी में सवार था। पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक, बताओ भैया? वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे वो बैठे हुए थे, पीछे फॉर्चूनर भी थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई, तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्चूनर? पीछे थी आगे। थार किसके साथ थी बता दो? थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना, उनको मालूम है। लखीमपुर कांड पर हो रहे नए नए खुलासों के बीच यूपी पुलिस ने एक बार फिर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। शुरू से ही राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि इसमें किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा न जाए और पूरी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाए। लखीमपुर पर दूध का दूध और पानी का पानी करना यूपी सरकार के लिए चुनौती बन चुकी है, क्योंकि ये विपक्ष सरकार को घेर चुका है जो सरकार की मुसीबत बढ़ा रहा है। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी।
इस बीच सवालों के घेरे में आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर घटना पर अपनी सफाई दी है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सीतापुर राहुल गांधी का काफिला पहुंच चुका है, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मौसमी सिंह वहां पर मौजूद हैं, सुनते हैं सीधे उन्हें। पहुंच गए हैं पीएससी कैंपस एंटर करने वाले, और यहां पे आप देखिए जो एस्कॉर्ट गाड़ी है उसके साथ दो एस्कॉर्ट गाड़ियां, और पीछे जो काफिला था उसको रोक दिया गया है। राहुल गांधी, पंजाब सीएम और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ सीएम के साथ यहाँ पे पीएससी गेस्ट हाउस में पहुँचते हुए आप देख रहे हैं। गेट नंबर 3 पे ये तस्वीर है। राहुल तो ये देखिए, राहुल गांधी भीतर जाते हुए गेट नंबर 3 पे, ये पीएससी कैंपस का बैक साइड है जहाँ से राहुल गांधी पहुँचे हैं। पवन आप दिखाइए तस्वीरें, उतरते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार जिस तरह से कांग्रेस के तीखे तेवर देखने को मिले हैं, राहुल गांधी ने भी सरकार को दो टूक सुना दिया कि वो जो है लखीमपुर खीरी जाकर रहेंगे, और उसके बाद हमने देखा सरकार का यूटर्न। यहाँ पे देखिए कि जो गाड़ियां आपको देखने को मिल रही है, पीएससी कैंपस में राहुल गांधी का काफिला पहुंचते हुए राहुल गांधी के पीछे जितनी भी टीम थी उनको रोक दिया गया है, लेकिन यहाँ से भी अभी राहुल और प्रियंका को आगे जाना है। लगभग 45 किलोमीटर लखीमपुर खीरी और उसके आगे तिकुनिया, जो कि लगभग 120-30 किलोमीटर है। ऑलरेडी शाम के 5 बज चुके हैं और राहुल गांधी का काफिला सीतापुर लगभग 5 बजे पहुंच गया है। तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, को ड्राइवर की सीट पे राहुल गांधी बैठे हुए थे। ये वो वक्त है जब कांग्रेस के बेहद आक्रामक और तीखे तेवर देखने को मिले हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी और दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हुए नजर आए हैं उत्तर प्रदेश के सियासी रण में। मौसमी सिंह जानकारी देती हुई सीधे उत्तर प्रदेश के सीतापुर से राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं, अपनी बहन प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद लखीमपुर के लिए, लखीमपुर खीरी जहां से किसानों का ये बेहद गंभीर संवेदनशील मामला सामने आया है, वहां पर ये दोनों ही नेता पहुंचेंगे और साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि न्याय का, इंसाफ का इंतजार है इन सब मुद्दों पर। इसके तहत राजनीति भी उत्तर प्रदेश में जोरों पर है, क्योंकि 3 महीने के बाद वहां पर इलेक्शन भी होने हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुष्पेंद्र सिंह अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, भानु प्रताप सिंह जो कि अध्यक्ष हैं बीकेयू भानु के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, विपक्ष का, कांग्रेस का दबाव लगातार जो बन रहा था सरकार पर, वो रंग लाया जिसके बाद आप लोगों की ओर से लखीमपुर खीरी विपक्ष के नेताओं को जाने की इजाजत दी गई। बिना दबाव के कोई काम नहीं बनता है क्या? बार बार विपक्ष आपसे ये सवाल पूछ रहा है। चित्रा जी देखिए, सर्वप्रथम तो जो भी हुआ लखीमपुर में ये बहुत ही दुखद है, ये भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है, और निष्पक्ष जांच हो रही है। और आप भी जानती हैं कि अभी किसानों के जो नेता थे उन्होंने बातचीत करी, जो पीड़ित परिवार थे और जिन लोगों को हमने खोया है, और उसके बाद एक समझौता हुआ है, खासकर जिसमें कि ये सुनिश्चित कराया गया है कि हम लोग जो परिवार हैं जिन्होंने अपने परिजन को खोया है उनके साथ खड़े रहें, उनको इंसाफ दिलाएं, उनको हम एक सदस्य को नौकरी। लेकिन आज आपने कहा कि रंग दिखाया है क्योंकि विपक्ष ने दबाव बनाया है। चित्रा जी आप मुझे बताइए, एफआईआर तो तुरंत हो गई। आज मैं सुन रहा था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी ने यह भी कहा कि जांच चल रही है। ये जो राजनीतिक गिद्ध हैं ये बार बार निकलते हैं, और उसके बाद जहां भी इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में होती है चुनाव के मद्देनजर वहां जाके पेट्रोल डालने का काम करते हैं कि कोई चिंगारी लगे, आग लगे, हिंसा हो और इनको राजनीतिक लाभ मिल जाए। मैं वरना पूछना चाहता हूं, आप देखिए संकट समझिए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस पे नहीं है,
राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, उन्होंने कहा न्यायपालिका में मेरा विश्वास नहीं है और ये भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी चलाती है। तो अगर इनका विश्वास मीडिया में नहीं, न्यायपालिका में नहीं, पुलिस में नहीं, तो जांच पे इनका विश्वास कैसे होगा? जबकि हमारी प्रतिबद्धता ये है, ठीक है, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमारी प्रतिबद्धता ये है कि जो पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ मिले। दूसरा, जो भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति आता है, आप जानती हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका वाड्रा हो, ये लोग जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोटेक्टी हैं। अगर इनकी सुरक्षा में कोई चूक हो जाए, भगवान ना करे, तो भी हमारी ही जिम्मेदारी। चले ठीक है, आपने जो सवाल उठाए हैं, अब ठीक है, आगे आप अपनी बात को बढ़ाएगा, बाकी मेहमान भी है। अब है दुबे जी, सरकार तो अपना काम कर रही है, उसका पूरा का पूरा फोकस इस बात पर है कि न्याय मिले, जैसे कि गौरव भाटिया बोल रहे हैं, और उनका ये भी आरोप है कि अपने लिए राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। राजनीतिक अवसरवादिता है क्या ये कांग्रेस की? चित्रा जी, पहले भी मैंने इस बात को रेखांकित किया है, मैं कहता हूं संस्कृत का एक प्रमाण है, एक साक्ष्य है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, मौन साधने का अर्थ होता है स्वीकृति का लक्षण, अर्थात आपने इन लोगों को स्वीकृति दी। तीन चार बड़ी बातें इन्होंने दिन भर से आज टेलीविजन पर कही। एक तो कहा इन्होंने, संबित पात्रा ने, कि भ्रम जाल फैलाया जा रहा है। अरे मौत का जाल बिछा कर रख दिया है आपने, नशंस तरीके से किसानों को रोंदकर हत्या की। दूसरा कहा कि राहुल गांधी जी अशांति पैदा कर रहे हैं, अरे मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है, हम न्याय की गुहार लगाने वहां जा रहे हैं। आपने कहा गिद्ध, गिद्ध जानते हैं किसको कहते हैं? गिद्ध की मनोवृत्ति आपकी है जो नशंस तरीके से हत्या कर दी, हम तो वहां पर न्याय मांगने जा रहे हैं। और आपने कहा पेट्रोल डालकर, अरे हमने देखा है रात के 2:30 पर बलात्कार की पीड़िता बच्ची को पेट्रोल डालकर पुलिस ने आग लगा दी, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनकी न्याय की लड़ाई लड़ने गए थे। चित्रा जी, मुझे इतिहास में एक भी प्रमाण नहीं मिलता जब उत्तर प्रदेश की सरकार से न्याय मिला हो। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूं, ये नियोजित हत्या थी, षड्यंत्र था। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने 25 को इसकी घोषणा कर दी थी कि 2 नहीं टिक सकते और मुझे जानते नहीं मेरा इतिहास क्या है। तो मैंने आज तक से गुजारिश की, आज तक चैनल से पूछा कि मंत्री जी का इतिहास बताइए, तो ये बताया उन्होंने। उन्होंने कहा लखीमपुर हिंसा, हत्या, बवाल, मारपीट, अजय मिश्रा की खुल चुकी है हिस्ट्री शीट, और हिस्ट्री शीट में प्रभात गुप्ता की हत्या का मुकदमे में उच्च न्यायालय से बेल पर है। और आज तक क्या लिख रहा है, 2 March 2018 से ही हाई कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बीते 3 से फैसला सुरक्षित हाई कोर्ट ने रखा है। जानते हैं आप रिजर्व फॉर ऑर्डर, मैंने तो नहीं पढ़ा कि 3 से, सुनिए बस आखिरी बात कह रहा हूँ चित्रा, उसके बाद बोलने का मौका मत दीजिएगा। 17 August 2017 को मुख्यमंत्री योगी जी को शिकायत की उन्नाव के केस में बलात्कार पीड़िता ने, 8 तक इन्होंने FIR नहीं। चले ठीक है, एक-एक करके उन तमाम आरोपों का मैं जवाब ले लूंगी गौरव भाटिया जी से, ठीक है। अगर दुबे जी, बाकी लोगों का भी जल्दी जल्दी एक रिएक्शन ले लेती हूँ, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। गौरव, मैं फौरन आ रही हूँ गौरव जी आपके पास, एक बार बाकी लोगों की भी प्रतिक्रिया हो जाए। आखिरी दो उदाहरण देखिए, उस बच्ची के पिता की पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी, उस पर ट्रक चढ़ाने की, ठीक है गौरव भाटिया जी आप जवाब ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद अनुराग भदौरिया बाकी मेहमान के पास आएंगे, ठीक है। नरेंद्र गिरी जी का, अभय दुबे जी, उनका ये कहना है कि दरअसल सरकार के अधीन जितने भी, ठीक है सर, जितनी भी संस्थाएं हैं, कहीं से भी उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। गुप्ता को पुलिस होटल में जाकर, चलिए आप चुप कर रहिए, तो मैं उत्तर करती, तो ये इतिहास है न्याय का, इनका जवाब दीजिए। आपके इतिहास का, जो न्याय का इतिहास है वो बताता है कि कहीं पर भी इंसाफ नहीं मिलता है, ये आरोप लगा रहे हैं अभय दुबे। हाँ, वो हो सकता है राजस्थान की बात कर रहे हूँ, जहां अशोक गहलोत कह देते हैं कि ये जो बलात्कार हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि अपनी मर्जी से बच्ची गई थी, या वो कहते हैं ये छोटा रेप है, ये बड़ा रेप है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जो उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। चित्रा जी, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का पोस्टमार्टम राहुल गांधी ने किया ये हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, वो पोस्टमार्टम करते हैं। राहुल गांधी आके चैनल पे कहते हैं कि ये पोस्टमार्टम गलत है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या डॉक्टर हैं राहुल गांधी, उनको कैसे पता कि ये गलत है कि सही है? और दोबारा पोस्टमार्टम सरकार ने कराया है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी फाइंडिंग आए वो सही आए। दूसरी बात, शक्ति प्रदर्शन, आज नारे लग रहे थे वहां पे राहुल गांधी के समर्थक जो आए,
कह रहे थे कि शेर आया। अरे जनता कह रही थी गीदड़ है ये भाई। गीदड़ क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्या आप हम मेन मुद्दे पर रहते हैं? ठीक है गौरव जी, मुद्दे पे ही हूँ। ठीक है मैं बाकी मेहमानों को भी बोलने देती हूँ। दो किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपकी बात पूरी करना चाहूंगा। ये तरीका अच्छा नहीं लगता आज के मुद्दे पे। उपमा नहीं दे, मैं सुनिए, ये बीच में ना बोले भैया, आपकी हवा निकली हुई है, चुप कराइए। प्लीज मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। दो किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए, अपना इंतजार कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्लीज जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। गौरव जी, ये बताइए, बार बार विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है मंत्री जी के। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे तभी न्याय हो पाएगा पूरे मामले पर। बिल्कुल, मैं उत्तर देता हूँ। देखिए चित्रा जी, देखिए जब भी चर्चा कराइए अनुशासन से कराइए, क्यों घबरा जाते हैं ये लोग। अबे तुम्हें जी एक बार जवाब सुन लेते हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद बोलेगा। प्लीज गौरव जी, प्लीज देखिए, मैंने बात क्यों करी। अगर आप संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए किसी परिवार से मिलने जाते हैं तो हाथरस का याद करिए मामला, ठाके मार रहे थे, वहां पहुंच के फेसबुक लाइव किया, आज फिर कह रहे हैं कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन है। क्या लाशों के ऊपर अपनी राजनीतिक इमारत बनाना चाहते हैं? और मैंने क्यों कहा ये बात, मैं बताता हूं, क्योंकि वहां पे जो वर्कर थे उन्होंने वर्दी के साथ दुर्व्यवहार किया। हमने कहा प्रियंका वाड्रा प्लीज चुप हो भैया, मिस्टर अबे आखिरी बार बोल लो, बीच में मत बोलिए, समझे, वरना यहीं पे पैक करके कांग्रेस हेडक्वार्टर भेज देंगे। चुप करिए, आप लोग को तमीज देंगे बहस करने की। आप लोग दूसरे के बीच में क्यों बोलते हैं? क्या है आप, क्या इटालियन के मुसोलिनी है? बीच में क्यों बोलते हैं? राजस्थान में बलात्कार की जो मामले है सबसे ज्यादा है, अशोक गहलोत का इस्तीफा मांगो जल्दी से, चलो मांगो अशोक गहलोत का इस्तीफा। बेकार की बात करते हैं, आता जाता कुछ नहीं है, यहाँ पे आके बोलने लगेंगे। चित्रा जी, अगर आप इनको चुप नहीं करा सकती है तो कृपया करके हम लोगों को या तो माफ कर दीजिए। क्या है ये लोग भाई, बीच में बोलते रहते हैं, आंकड़े पता है, 6,000 बलात्कार के मामले कहाँ हुए बताइए, उस मंत्री को एक तिहाई जनसंख्या है। बेकार की बातें करे, कार्रवाई हो रही है। चले ठीक है, बाकी मेहमानों को भी मैं लेकर आती हूँ। लखीमपुर में एक सेकंड प्लीज, 8 लोगों की जान चली गई है, थोड़ी सी संवेदनशीलता और गंभीरता हम बरतेंगे। 8 लोगों की मौत पर किसी भी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इस वक्त यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाकी मेहमानों के पास मैं फौरन आऊंगी। सिद्धार्थनाथ जी, आपका आज तक पर स्वागत है, और मेरा पहला सवाल यही है, मंत्री जी के इस्तीफे की बार बार मांग कर रहा है विपक्ष और कह रहा है कि बिना उनका इस्तीफा हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। देखिए, इनके ये जो हटकंडे हैं विपक्ष के, और एक प्रकार से जो षड्यंत्र है, वो हम लोग के मुख्यमंत्री जी ने हर कदम पे उनको विफल करा है। और फिर मैं यहां पे उनके आर्गुमेंट को देता हूं। ये जो बोल रहे हैं कि इस्तीफे की मांग करें, पहले तो दिल्ली का कोई गृह मंत्रालय इसकी जांच नहीं कर रहा है, इसकी जांच उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है, इसकी जांच जो है एक रिटायर्ड जज जुडिशियल इंक्वायरी के तहत हो रही है, वो उसका संचालन कर रहे हैं। तो इनको डर किस बात का है, और ये मुद्दे को भ्रमित क्यों कर रहे हैं बातों को उठाकर? कहीं लॉजिकली बात करें तो सामने आए, मगर लॉजिकली इनके पास आंसर नहीं होएगा, क्योंकि ये इंक्वायरी कोई सरकार न है तो उत्तर प्रदेश सरकार, न ही उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली की सरकार या केंद्र सरकार कर रही है, ये जुडिशियल इंक्वायरी है एक रिटायर्ड जज के तहत। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, राहुल गांधी सीतापुर पहुंच चुके हैं अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ, अब वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। लेकिन आपको बार बार ये राजनीतिक पर्यटन लगता है, आपकी ओर से आज कहा गया है कि युवराज को अचानक से जोश आ गया, अपनी बहन को ही वो मीडिया में देख रहे थे, तो मीडिया में बने रहने के लिए वो पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश। आपको राजनीतिक पर्यटन विपक्षी नेताओं के इस दौरे पर क्यों लगता है, अगर वो जाकर किसानों से दुख दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं तो? देखिए, मैं आपको बताता हूं, पहले तो राहुल गांधी 2019 की हार के बाद उत्तर प्रदेश कभी आए नहीं, उनकी बहन आई, आधा अधूरा दौरा करती थी, चली जाती थी। अब वो आई हैं, उनको दो दिन से उनको फुटेज मिल रही है हर चैनल पे, उनको लगा ये क्या हो गया, तो मैंने उनको लगा कि मैं भी जाऊं, और मैं जाऊं तो फिर सबको बताऊं कि मैं भी हूं ना,
इसलिए वो एक कंपटीशन है उसके चेहरे आई है, ये कांग्रेस परिवार के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है, मगर इस विषय ये नहीं है। अब आया राजनीतिक पर्यटन की बात, मैं आपको अन्य उदाहरण दूंगा पीछे के, तो उसके साथ से आपको दिखेगा राजनीतिक पर्यटन है। लेकिन अभी आ जाए आप, अभी आज उन्होंने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कहा हमें परमिशन मिलनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी करी उन्होंने दिल्ली में। जब यहां पे आए तो उनको पता चला उनको परमिशन मिल गई, सभी को मिल गई, पांच लोग जा सकते हैं। उन्होंने कहा अब क्या करूंगा मैं, तो अब तो खत्म हो गया मेरा, तो वो वहीं पे जमीन पे बैठ गए। अब जमीन पे बैठने का एयरपोर्ट पे क्या कारण होना चाहिए, कारण बनाया क्या कि मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, आपका लॉलीपॉप नहीं अच्छा है, मेरे को अपना लॉलीपॉप अच्छा लगता है। मगर हमें एक सुरक्षा देनी है, सुरक्षा के तहत भीड़ भाड़ ना रहो। वहां पे हम लोग का प्रयास है, शासन का प्रयास है कि वहां पे लखीमपुर जब जाते हैं तो भीड़ ना चले। अभी आपने देखा क्या चल रहा है, सीतापुर में का जो टोल प्लाजा है उसमें बैरिकेड करते हैं करा गया, तो कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे उन्होंने बैरिकेड हटा के अपने आप चले आ रहे हैं। राहुल गांधी नेता है बड़े, तो उन्होंने कम से कम रोकना तो चाहिए कि कोई नहीं जाएगा। ये तो संवेदनशीलता दिखाती है, माहौल वहां गर्म है, उसको शांत किया गया है, तो ये सब चीजें उनको देखनी चाहिए। लेकिन विपक्ष के आगे, कांग्रेस पार्टी के आगे तो झुकना पड़ गया ना सरकार को, तभी तो आपने इस बात की परमिशन दी कि अब विपक्षी नेता पांच पांच लोगों के साथ वहां पर जाकर मिल सकते हैं। हम तो पहले दिन क्या दे रहे थे ये अब उनको इसी में तसल्ली है तो कर ले तसल्ली, मगर हमने तो पहले दिन कहा था कि आपको भी जाने दिया जाएगा, आप बेचैन ना हो, फोटो ऑफ के चक्कर में मत होड़ लगाइए कि हम पहले पहुंचे हम पहले पहुंचे। मगर आप लोग को ये होड़ थी वहां पे, सिचुएशन क्यों, हमने कहा सामान्य कर लेने दीजिए और उसके बाद आप लोग भी चले जाइए। अब वो आपने देखा वो कर दिया है, तो इसलिए हम लोग ने कहा था ना, तो जो सत्य है वो सामने आता जा रहा है एक के बाद एक। उनका यह कहना है किसानों को कुचला जा रहा है, आरोपियों के खिलाफ कोई भी एक्शन, क्योंकि अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, देश में तानाशाही है, ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पर। एक, 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 एक दो आप आपके दो सवाल हैं। पहले तो इनका जो षड्यंत्र था या कांग्रेस या विपक्ष का एक जो प्लान था वो तो पूरा विफल हो गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको विफल कर दिया, ना ही एक राजनीतिक पार्टी का वहां जाना हुआ, वो कारण आपको मैं बता चुका हूं। वहां पे किसानों के साथ बातचीत करने के बाद वहां पे समझौता हो गया, इनको समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। अब उसके बाद अब कहते हैं कि उनको कुचला जा रहा है, अरे कुचला जा रहा है, जो वीडियो हमने देखा वो दिल दहलाने वाला है, दूसरे भी वीडियो देखे जहां पे लिंचिंग हो रही है। इस प्रकार का लोकतंत्र में किसी को इजाजत नहीं और नहीं होना चाहिए, और कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून करेगा और जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। लेकिन कहीं इस पूरे के पूरे आजाद भारत, एक सेकंड एक सेकंड, आजाद भारत में किसी ने कुचला है तो इमरजेंसी ने कुचला है, किसी ने कुचला है तो 84 के दंगों में जो सरदार है उनको कुचला है कांग्रेस पार्टी ने, ये कहां की बात कर रहे हैं, इनकी याददाश्त है नहीं तो इसलिए ये भूल जाते हैं। आप लोगों की ओर से 45 लाख रुपए किसानों को देने का ऐलान किया गया है, जो मृतक परिवार हैं। छत्तीसगढ़ और पंजाब ने 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है उन्हें, किसानों के परिवारों को। आपको इस बारे में जानकारी है, अंतर क्या है ये देखिए। हम कह रहे हैं जो भी मृतक है उसको 45-45 लाख देंगे, ये कहते हैं हम 50-50 देंगे, खाली उनको देंगे जो किसान है। क्या जो जर्नलिस्ट है वो नहीं मरा, क्या दूसरे और कार्यकर्ता नहीं मरे, उनकी लिंचिंग नहीं हुई, गाड़ी से रोंदे गए वो भी मरे, मगर हम उन्हीं को देंगे। तो राजनीति कौन कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं कि हम तो खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही देंगे, हमने तो नहीं कहा, हम कह रहे हैं जो भी मृतक है जी, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है। तो आपने जानकारी दी कि जितने भी 8 लोगों की मौत हुई है सभी के परिवारों को 45-45 लाख रुपए, सरकारी नौकरी सभी लोगों के लिए सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया है।
एक सामान्य पहले दिन कर दिया था, इसमें तो कोई ठीक है। एक और ताजा वीडियो सामने आया है सिद्धार्थनाथ जी, मैं चाहूंगी कि वो वीडियो दिखाया जाए। वो आज का वीडियो है जिसमें गोला के सीईओ संजय नाथ तिवारी एक शख्स से पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में वो व्यक्ति बताता है कि पूर्व सांसद कांग्रेस के अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास जी जो थार जीप थी उसके पीछे वाले फॉर्चूनर में मौजूद थे। ये वीडियो जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये मैटर है सब। देखिए नहीं, मैंने वो वीडियो देखा नहीं, मगर ये सब चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन की। सबका रोल सामने आएगा और रोल जब आएगा तो रोल उसका भी आएगा जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो तेजेंद्र विर्क हैं वो भी उनसे जुड़े हुए हैं। हम लोग को सबको पता है कि तेजेंद्र विर्क ने जो अखिलेश यादव जी को ट्वीट भी किया था, अखिलेश यादव जी ने भी उनके जब उनको चोट लगी तो ट्वीट किया, इसमें कोई गलत नहीं है, करना चाहिए, मगर एक संबंध है क्योंकि समाजवादी पार्टी के हैं। ट्वीट में आप देखोगे तो उन लोग के दोनों के लाल लाल, एक लाल टोपी है तो एक लाल साफा है, तो पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनका क्या रोल था यह भी देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो षड्यंत्र है ना वो भी सामने समय समय पर आता है, इन सब पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ आपको साथ लग रहा है कि किसानों के साथ हुई इस हिंसा में समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है? आपकी बातों से यही समझ में आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब मैं तो खाली उस पे बता रहा हूं जो सामने चीज आई है। तेजेंद्र विर्क के इलाज चल रहा है, हम सबको पता है, उनको वहां रश करा गया है, उनकी जो तबीयत है नाजुक रही तो उसके लिए करा जा रहा है। हम उनको प्रार्थना भी करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, मगर लिंक तो है उनका, वो कहा किस पार्टी से है वो भी आपके सामने आया है, वो आप ही लोग लेकर आए हैं। नहीं, क्या लिंक और है? जिस परिवार जो किसानों को भड़काने में क्या उनकी भूमिका है? शुभम मिश्रा का जी, विर्क का क्या रोल है, क्या लेकर उसी को लीड भी कर रहे थे भाई? जो सामने चीजें आ रही हैं उसमें वो किसानों को लेकर या जो भी लोग और थे, शायद मेरे को तो नहीं लगता वो किसान होंगे, मैं उस झुंड में ये भी थे, उसमें कुछ ना कुछ रोल था उनका, ना तो आने की क्या आवश्यकता होती है? ठीक, तो है ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन का है। मैं इस पे उचित भी नहीं होगा कि मैं इस पे कोई टिप्पणी करूं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन जो भी दोषी होगा चाहे वो राजा हो या रंग। उनकी ओर से कहा गया है, बकायदा ट्वीट में उन्होंने कहा है कि यही हाल रहा तो यूपी में भाजपा ही ना गाड़ी से चल पाएंगे और ना ही उतर पाएंगे, जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त बन रही है। और 3 महीने के बाद जो चुनाव है, सत्ता से जनता आप लोगों को हटा देगी। उनका प्रयास है कि खाली साइकिल ही पे चले जनता उत्तर प्रदेश की, वो वैसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जनता जो है वो विकास चाहती है, और विकास जो है उसका मापदंड खाली साइकिल अब तो नहीं है, ना मोटरसाइकिल है, अब गाड़ी है, चार पहिया पहिया भी बनता जा रहा है और हवाई जहाज भी बनता जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार उसको संभव कर रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे, चाहे वरुण गांधी को हम देखें लगातार ट्वीट करके और उनकी ओर से इस पूरे मामले में न्याय की बात की जा रही है, जेडीयू की ओर से भी कल क्वेश्चन किए गए थे उत्तर प्रदेश की तस्वीरों को देखते हुए, और अपना दल की ओर से भी उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आशीष पटेल, उन्होंने आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। अब आपके सहयोगी ही कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं। देखिए जो विषय है वो गंभीर है, वहां पर जो घटनाएं हुई हैं वो दिल हिलाने वाली है, जो वीडियो सामने आए हैं। स्वाभाविक है सब न्याय चाहते हैं, सरकार उस न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में काम कर रही है। तो जिन लोगों ने अपनी बेचैनी दिखाई है, हमें उसमें, हम तो विपक्ष पे भी कहते हैं, विपक्ष ने भी अपनी बेचैनी दिखाई है तो कोई हर्ज नहीं है, ये होना चाहिए, यही लोकतंत्र की मजबूती है। और उसके आधार पर जो सरकार को काम करना है, या मैं कहूं जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को काम करना है, वो निष्पक्ष होकर करे, ये उद्देश्य होता है, और उसके बाद सजा मिलनी चाहिए, ये भी हम लोग सुनिश्चित करें। ठीक है, एक लाइन में इसका जवाब। अजय मिश्रा टेरी की गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई है और उसके बाद ये तय हुआ है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, और आप लोग कह रहे हैं कि साजिशन इस्तीफे की मांग की जा रही है विपक्ष की ओर से।
नहीं देखिए, मैं इस पे नहीं कह सकता उनकी बातचीत क्या हुई अमित शाह जी के साथ, लेकिन कोई निर्णय होता है या किसी को उस पे इस्तीफा देना है या दोषी ठहराना है, जब चीजें सामने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आती है, उसके आधार पे होएगा। मगर कोई, क्योंकि विपक्ष चिल्ला रहा है, ये उचित नहीं होता कि उसके आधार पर इस्तीफा दिया जाए। ना ही कांग्रेस जब सत्ता में थी उन्होंने ऐसा किया हो जब विपक्ष चिल्लाता था, मगर जब सत्य आने सामने शुरू हुए तो उसमें फिर एजी राजा भी गए और नटवर सिंह भी गए और अन्य लोग भी, इस्तीफा उनको देना पड़ा था। चलिए बहुत शुक्रिया सिद्धार्थनाथ सिंह जी आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। यूपी सरकार में वरिष्ठ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, जिनका यह कहना है कि विपक्ष कितना भी कहता रहे लेकिन विपक्ष की मांग के आधार पर मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता है। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन विर्क का नाम लेते हुए, आपके चूंकि ये कार्यकर्ता है, सीधा हमला साधा है समाजवादी पार्टी पर भी, इस पर जवाब मैं आपसे चाहूंगी। अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है सिद्धार्थनाथ सिंह जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता जो इनके दिल्ली से बैठते हैं उन पे विश्वास नहीं, इसलिए खुद ही आगे बोलने के लिए ये हालत है। कि मैंने पहले कहता था बीजेपी की, एक दिल्ली की बीजेपी, एक उत्तर प्रदेश की बीजेपी, दोनों अलग है। दूसरी बात, जहां तक वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की बात कर रहे थे तो क्या करें, समाजवादी पार्टी तो 23 करोड़ पॉपुलेशन समाजवादी के साथ है, वो समाजवादी कार्यकर्ता आपके साथ, आपके कोई कार्यकर्ता ही नहीं तो क्या करें हम। हर किसान समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, हर किसान समाजवादी पार्टी का सम्मान करता है, तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? क्या किसान समाजवादी किसान नहीं हो सकता क्या? सारे तो समाजवादी किसान है, कोई हम लुटियन जोन में थोड़ी रहते हैं या उनकी तरह वहां पे थोड़ी बंगला लिए बैठे हुए हैं समाजवादी लोग। समाजवादी तो गांव में रह रहा है तो किसान तो हो गई, बात ये नहीं है। सवाल ये है कि वहां पे जिससे जिनके माध्यम से रौंदा गया, जो जिनके इशारे पे रौंदा गया, वो बाहर क्यों है? वो जो राज्यमंत्री है, गृह राज्यमंत्री, जो अपने आप को बताता है मैं गुंडा हूं, मैं मंत्री और विधायक के पहले मैं क्या था, वो गुंडा राज्यमंत्री गृह राज्यमंत्री क्यों है? सवाल यह है कि उसके बेटे में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वहां पे उनकी थार, उनकी गाड़ियां रोंदती हुई चली गई, उसके बाद बार बार वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और जिसके पास कोई धाराएं नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप अरेस्ट कर ले रहे हो, ये हालत है। वो बार बार कहते हैं लाशों पे राजनीति करने आ गए। अरे भैया, लाशें क्यों बिछा रहे उत्तर प्रदेश के अंदर में? किसने कहा लाशें बिछाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर में? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से लाशें बिछाई जा रही है। कभी किसानों की लाशें बिछाई जाती है, कभी हमारी बहन बेटियों की लाशें बिछाई जा रही है, कभी हमारे साथियों की यहाँ पे लाशें बिछाई जा रही है, चाहे वो लखनऊ का विवेक तिवारी हो, चाहे वो मनीष गुप्ता हो गोरखपुर में, ये लाशें बिछा कौन रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में? और आपके टीवी पे एड चलता है पता क्या, छा गई रे योगी सरकार, छा गई रे। अरे भैया, छा गई की जगह बोलो खा गई रे, योगी सरकार पूरा खा गई रे। ठीक है, दूसरी लाइन उनकी है, भाई जी मैं आपसे जवाब चाहूंगी उसके बाद। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश के चेहरों को पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कौन व्यक्ति है जो रो नहीं रहा उत्तर प्रदेश के अंदर? ठीक है, कौन नहीं रो रहा है? वो कह रहे हैं यूपी में सारे व्यक्ति रो रहा है, भारत प्रताप सिंह जी। उसके बाद में चौथे पुष्पेंद्र सिंह फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, आपकी बात हो गई, बच्चों की मौत हो गई हो रहा है, अनुराग भदौरिया जी। ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ अनुराग भदौरिया जी, उनका फोन प्लीज कनेक्ट कीजिए। भानु प्रताप, ठीक है, अनुराग भदौरिया आपकी बात हो गई, भानु प्रताप सिंह जी को बोलने दीजिए। भानु प्रताप जी, वो कह रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश रो रहा है इस सरकार में। ऐसा है, मैं आपके सबके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ और आपके पैर छू रहा हूँ, थोड़ा सुन लीजिए करे। तो ऐसे डिबेट में ये लोकतंत्र, मतलब जो जनता सुनती है, जो किसान सुनता है, उसको कुछ गलत लगता है, अपनी अपनी ढंगते रहती है और सब की सुनो ना। ऐसा है, मैं राजनेता नहीं हूं, मैं अराजनीतिक भारतीय किसान यूनियन धानू का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो ब्रज के ब्रज तंत्र ने बनाया है और मान मंदिर बरसाना जिला मथुरा में मेरा कार्यालय। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तो ये कह रहा हूं। ये परिचय 500 बार दे चुके हो आप टेलीविजन पे, 500 बार सुन लिया। इसने बताया नीचे लिखा है आपका नाम, आपका अध्यक्ष भी लिखा हुआ है। मेरे पास आ जा, बार बार मेरे पास आ जा, इसको ही बुलवाओ पहले, इसको ही बुलवाओ आराम से। मतलब की बात मत करो, इसको बुलवाओ, जो मुद्दा है मुद्दे पे बोलो ना, इसको बुलवाओ पहले आराम से, मुद्दे पे बोलो ना। आपका नाम आ रहा है, संस्था का नाम भी आ रहा है नीचे, उसके बाद जो है बेबसने की बातें मत करो, जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बोलो। तू पागल है, अरे मुद्दे पे बोलो तुम। अरे क्या है ये, क्या पागल, मतलब बिल्कुल सटिया गए हो क्या, सटिया गए हो क्या? हां सटिया गए, क्या कह रहे हो? मैंने तेरे हाथ जोड़े, अरे आपका नाम, तेरे पैर छुए, आपका नाम, अरे आपका नाम, आपकी संस्था का नाम नीचे चल रहा है। आप बार 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 बताते हैं इस बात को, मुद्दे पे आओ ना, मुद्दे की बात करो।
ये ने कांग्रेस ने और राकेश टिकैत ने के षड्यंत्र से सब कुछ हुआ है। काले झंडे क्यों दिखाए थे? उप मुख्यमंत्री को काले झंडे क्यों दिखाए थे बताओ? क्यों दिखाए काले झंडे उप मुख्यमंत्री को? ये राकेश टिकैत और कांग्रेस का षड्यंत्र है जो सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और तितरी बॉर्डर पे चल रहा है। ये सब वहीं से है और ये न तो मानते संविधान को और न मानते लोकतंत्र को। और जब तक ये वहां से की जांच नहीं होगी और यहाँ की जांच हो उसमें खुलासा हो जाएगा और वहां की जांच हो उसमें खुलासा हो जाएगा और इन लोगों को तिहार जेल में जाना चाहिए। और सुन, कांग्रेस कितना जोर लगा ले, कांग्रेस इतनी बेईमानी पार्टी है और कांग्रेस कितना जोर लगा ले प्रदेश में सत्ता में नहीं आएगी और ज्यादा जोर प्रयोग। ठीक है भानु प्रताप जी, आपने जो आरोप लगाए हैं चौधरी जी से मैं उसका जवाब ले लेती हूं। आप सीधे आपसे सवाल चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आप लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं और काले झंडे दिखाए गए जिसके बाद वहां पर उस तरह की स्थिति पैदा हो गई। देखिए, विरोध प्रदर्शन करना, काले झंडे दिखाना लोकतंत्र का हिस्सा है। इन्हीं माध्यमों से इस देश को आजाद कराया गया था तो उन्होंने भी गलत किया था। संविधान में ये हमें जो है आजादी दी गई है कि हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं और जो भी सरकार हमारे विरुद्ध नीतियां बनाएगी हम उसके उसका जो है प्रतिकार कर सकते हैं, उसका प्रतिशोध कर सकते हैं। और ये जो प्रकरण हुआ है, ये प्रकरण के पीछे इनकी ठोक तंत्र की नीति है। कोई कहता है ठोक देंगे, कोई कहता है लठ उठा लो, कोई कहता है सर फोड़ दो, कोई कहता है दो मिनट लगेंगे, दो मिनट में देख लेंगे। उस नीति का परिणाम है और आज इन्होंने उसको कुचलने का काम कर दिया। अभी जो मंत्री जी कह रहे थे साइकिल से कुछ नहीं होगा, गाड़ियों से, है ना, गाड़ियों से तो सब कुछ होगा ही, गाड़ियों से तो आपने कुचलने का काम किया है। गाड़ियों से आपने कुचलने का काम जो किया है उसका प्रतिकार करने का काम जो है 3 महीने बाद चुनाव में कर दिया जाएगा, पहली बात तो है ये। दूसरा, जहां तक इसके जांच का विषय है, जब तक जो गृह राज्य मंत्री है जिनका बेटा और वो खुद जब इस पूरे प्रकरण में लिप्त है तो जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा इसकी निष्पक्ष जांच संभव ही नहीं है, क्योंकि गृह राज्य मंत्री के अंदर सारा पुलिस तंत्र सब आता है। और इनका इस्तीफा होगा और संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा के सीएम का भी इस्तीफा इस प्रकरण में होगा, जिस प्रकार से वो लठ लेकर गए और लठैत तैयार करने की, लठैत सेना तैयार करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो एक नई भर्ती खोल दी है कि भैया लठ लेकर के आ जाओ, हजार हजार दो दो हजार की संख्या में भर्ती चालू हो रही है वहां पे, बड़े नेता बन जाओगे। इस किस्म के लोकतंत्र को देश कभी भी जो है बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये तालिबानी सोच वाले व्यक्ति हैं, ये गोड़से की जो है पैदाइश है, गोड़से वादी लोग हैं ये। इनका गांधीवादी संविधान में कोई जो है भरोसा नहीं है। ठोक दो, मार दो, कूट दो, इस तरह की हरकतें और कुचल दो, और इन्होंने कुचलने का काम किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक विनती इनके कार्यकर्ताओं से करना चाहता हूँ, भैया इनके बहकावे में मत आना कार्यकर्ताओं, भाजपा के नेताओं को खुश करने के चक्कर में, एक मिनट, भानु प्रताप जी कुछ इशारा कर रहे हैं, वो 7-8 बार अपने मूंछों पर ताप दे चुके हैं। भानु जी क्या इशारा है आपका? एक मिनट, इनकी गाड़ियों में बैठ करके कुचलने मत जाइए, इनकी गाड़ियों में मत बैठना। इनके कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ जो है तुम्हारा राजनीतिक करियर उसी दिन वही खत्म हो जाएगा, तुम्हारे साथ वही न्याय हो जाएगा। मैं जवाब दूंगी गौरव भाटिया जी से, लेकिन भानु प्रताप जी आप 7-8 बार मूंछों पर ताप दे चुके, आप मुट्ठी बांध कर अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं, क्या इशारे हैं इसके जरिए आपके? ऐसा है, ये जो कह रहे नहीं है, ये आतंकवादी गैंग के, पुष्पेंद्र राकेश टिकैत की आतंकवादी गैंग के एक सिपाही है और ये कह रहे हैं कि भाजपा को हम हरा देंगे और ये सबको जिता देंगे। और ये राकेश टिकैत के जब चुनाव लड़े थे 2000 वोट आई एमएलए में और ये बन रहे कि हम सबको कर देंगे। अरे तुम ये बताओ, ये कांग्रेस ईमानदार थी तो कौन सी पार्टी थी जिसने सारे देश के राजनेताओं को इमरजेंसी में 2-2 साल तक जेल में रखा था? कांग्रेस अच्छी होती तो कांग्रेस सत्ता में होती प्रदेश में और केंद्र में। इसलिए कांग्रेस ने 1 मार्च 2011 को हम गए थे, कुछ नहीं माना, किसान बचाओ, यमुना बचाओ, गंगा बचाओ, देश बचाओ, मैं ये लोग मरे हैं उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ और सबको मिला मुआवजा, ये भी निवेदन करता हूँ। लेकिन इन झूठे और बेईमान जो 10 महीने से वहां पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, देश बंद करवा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि जो हमारे जो मीडिया के लोग हैं हमारी सी नहीं कहेंगे तो हम उनको देख लेंगे,
और 525 और हमारे पुलिस के भाई इन्होंने दिल्ली 26 जनवरी को घायल करवाए थे। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस को भी आपने कटघरे में खड़ा किया है, अभय दुबे जी उसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन चौधरी जी जल्दी से दो लाइन में अपनी बात कीजिए। वो कह रहे हैं मिली भगत है, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहते हैं आप लोग, इस वजह से साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है। जो है बहुत ही जो है उनकी तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, ये जो है भगोड़े हो गए आंदोलन छोड़ के भागे जी। दो किसान नेता हैं, दोनों अलग अलग विचारधारा के हैं, जरा दोनों को सुन लीजिए, उसके बाद में आगे बोलिए। ये भगोड़े हो गए, इनका ऑडियो इसका इनका वो डाउन करिए जरा। ये भगोड़े हो चुके हैं आंदोलन में, ये थे भाग गए वहां से, इनके ऊपर ये खुद मानते हैं, वीडियो इनका वायरल है, 7.5 करोड़ रुपए का मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे पैसे चाहिए, आपने इन्होंने पैसे भारी मात्रा में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ले लिए भाजपा से, लेकर के ये जो है भाजपा के बीच जाते हैं, और ये रणछोड़ दास है, रण छोड़ के जा चुके हैं, रणछोड़ दास हो आप, आपका कोई मतलब आंदोलन से नहीं है, आप शांत बैठे रहो, रिटायर हो जाओ और अपने घर बैठ जाओ। आपकी वीडियो वायरल है जिसमें आप कह रहे हो मेरे ऊपर 7.5 करोड़ का खर्चा हो गया है, मेरा बेटा इसी को चला गया है, चलिए ठीक है। ये तो मैं वैसे बाकी राजनीतिक मेहमानों को लेकर आती हूँ। अभय दुबे जी पहले आपका रुख करते हुए, गौरव जी उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। अभय दुबे जी, भानु प्रताप जी का भी कहना है कि कांग्रेस कितने भी सपने देख ले उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसको खुद भी पता है कि उसकी स्थिति वहां पर क्या है, और लखीमपुर को रंगमंच का अखाड़ा ना बनाया जाए राजनीतिक पार्टियों की ओर से। आप क्यों नहीं आती हमारे पास, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा करती है। मौत का तांडव किया गया है लखीमपुर में, ये राजनीतिक मंच नहीं है। एक सेकंड जी, क्या पुष्पेंद्र जी अलग बोलेंगे, सपा का प्रवक्ता अलग बोलेगा, हमारी बारी आएगी आप कांग्रेस के पास चली जाएंगी। अरे इनसे पूछिए, चलिए मैं बीच में बोल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। रॉबर्ट वाड्रा किसान है, रॉबर्ट वाड्रा किसान है, किसानों की जमीन हड़पने वाला किसान है, जब ये हरे कुर्ते वाले चुप करो, उड़ा देंगे अभी, भूख मारेंगे उड़ जाओगे। ये देखिए, ये आपका शो है, इसमें कोई आंतरिक नहीं है, लड़ाइए, एक हरा तोता आ जाएगा, एक भ्रष्टाचारी आ जाएगा, और लड़ाइए हम लोगों समाजवाद है, पीछे हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ, छिपा दी धमकी, आप अपना छोटा वाली के बहुत ही बच्चा किस तरह से आप अपना इसमें चला सकते आपकी। एक सेकंड प्लीज, गौरव भाटिया जी एक सेकंड सुनिए मेरी बात प्लीज, सभी लोगों का ऑडियो डाउन किया जाए। गौरव भाटिया जी, आपको इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थनाथ सिंह आप ही के मंत्री हैं और उनके साथ लगातार मैंने बातचीत की, और जरा आराम से गौरव भाटिया जी, जरा आराम से, इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है। भानु प्रताप सिंह जी आप ही की तरफ से वो अपनी बात रखते हैं, इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है गौरव भाटिया जी प्लीज। जब सवाल पूछा जाएगा तो मैं आपके पास आऊंगी। चौधरी जी एक सेकेंड, चौधरी जी तो भानु जी से सवाल पूछ रहे थे, चौधरी जी तो भानु जी से सवाल पूछ रहे थे, तो मैं कूद कर बीजेपी के पास कैसे जाती इस तरह से। प्लीज गौरव भाटिया जी, आप बहुत सीनियर स्पोक्स पर्सन है, लेकिन ये डिक्टेट मत कीजिए एंकर को प्लीज, आपसे गुजारिश है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी के साथ 10 से 12 मिनट तक हम लोगों ने इंटरव्यू किया है, इस तरह से प्लीज आप दबाव मत बनाइए, पूरा देश देख रहा है गौरव भाटिया जी, ये तरीका ठीक नहीं है, पूरा देश देख रहा है, गंभीर मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। अब गौरव भाटिया जी थोड़ी सी संवेदनशीलता, मेरी बात सुन लीजिए, नहीं सुनिए कोई बात नहीं, आप ऐसे डिक्टेट करके तो नहीं बोलेंगे ना गौरव भाटिया जी, अगर आप अनुमति देंगे तो रखूंगा, दो मिनट के लिए वेट कर लीजिए, उनसे मैंने सवाल पूछा था, बीच में आप घुसाए, वेट बताइए, बोलिए फिर, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैं चुप रहती हूं, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, धन्यवाद, ठीक है आप चुप रहिए फिर। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस को चुप कराएंगे गौरव भाटिया जी, तो हम लोग सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जब बोले तो हम लोग बीच में नहीं बोले, जब हम बीच में बोल रहे थे तो कांग्रेस के प्रवक्ता कूद पड़े, मैंने कहा आप एंकर है चुप करा लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है सत्य क्या है, ये जो नौटंकी कांग्रेस पार्टी कर रही है गलत कर रही है, आपने चुप कराया था क्या, बताइए मुझे। अब गौरव भाटिया जी, अगर आपके कहने पर मैं शो चलाने लगूंगी, एक सेकंड सर, गौरव भाटिया जी क्या आप ये चाह रहे हैं कि टीवी पर गौरव भाटिया के कहने से मैं शो चलाऊं, प्लीज सर, अगर ये ख्वाब आपके हैं तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। गौरव भाटिया जी पूरे 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 आपकी इज्जत के साथ, अगर गौरव भाटिया मुझे कहेंगे कि मैं चुप कराऊं किसको और मैं किसको बोलने की इजाजत दूं, गौरव जी आप खुद लखनऊ से आते हैं, आप इतने सीनियर हैं, लॉयर भी हैं, मैंने कहा था बट ये व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक नहीं है गौरव जी, आप सत्ताधारी इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्लीज
आज दंगल का हमारा सवाल था कि क्या उत्तर प्रदेश में लखीमपुर कांड से कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 42% ने हां में जवाब दिया है, 58% ने नहीं में जवाब दिया है। लखीमपुर खीरी मामले में आगे क्या होगा, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे दंगल में। आज के लिए बस इतना ही। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।